आज हम मार्टेक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मार्टेक क्या है? यदि किसी चर राशि x के n मानों को आरोह अथवा अवरोह क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का मार्टेक कहते हैं। अब देखते हैं आंकड़े हैं, ऐसे अंक यदि आपको दिए गए हैं तो इनको पहले आरोह अथवा अवरोह क्रम में जमाना पड़ेगा हमें। अब उसके बाद आते हैं, दो स्थितियां बनती है। यदि आपके पास में ये आंकड़े विषम भी हो सकते हैं और सम भी हो सकते हैं, तो दो स्थितियां बनी। तो हम पहली स्थिति पर विचार करते हैं कि यदि इस तरह के आंकड़े दिए गए हैं और वो विषम है, यानी यहां आप देख रहे हैं, एक उदाहरण के माध्यम से लेते हैं कि ये यहां पे 3, 8, 7, 5, 4, 10 व 9। तो हमारे पास यहां संख्या जो है इन आंकड़ों की कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इनकी संख्या हमारे पास 7 है जो कि एक विषम है। इसी प्रकार अपन यहाँ देखते हैं, दो तरह से अपन ये आंकड़े हैं कि एक में विषम है और इसमें हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो यहाँ सम है। तो दो स्थितियां बनी है हमारे पास में, सम और विषम। तो इनको कैसे हल करेंगे? सम को कैसे हल, सम का कैसे माध्यक निकालेंगे और विषम का कैसे माध्यक निकालेंगे, ये देखते हैं। जब आपके पास में आंकड़ों की जो संख्या है वो विषम में होगा तब हमारे पास ये सूत्र लगेगा। यानी आप पदों की संख्या यदि n विषम हो तब आपके पास माध्यक क्या होगा? n+1/2 पद। यानी यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे पदों की संख्या 7 है तो यहां n की जगह 7 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ के 2 दबा के तो वो पद। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहां हमारे पास में विषम है और वो सम है। वहां पदों की संख्या 10 है, यहां पदों की संख्या 7 है। तो अपन ये दोनों ले लेंगे, एक विषम ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं, तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा हमारा। तो ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, आंकड़ों 3, 8, 7, 5, 4, 10 व 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है? 7 है। अब 7 विषम संख्या है, आंकड़ों को आरोह क्रम में रखते हैं। यानी अब अपने को क्या करना है? इन दिए गए आंकड़ों को क्रम से जमाना है। वो क्रम आपके बढ़ते हुए भी हो सकते हैं और घटते हुए भी हो सकते हैं। तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, यानी आरोह क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आरोह क्रम का मतलब है बढ़ते हुए, छोटा पहले, फिर उससे बड़ा इस तरह। तो यहां अपन देख रहे हैं 3 सबसे छोटा अंक है इसमें, उसके बाद आपके पास में 4 आएगा, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, 9 और ये 10। तो ये हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये इन्हीं संख्याओं में से, इन्हीं आंकड़ों में से लेना है उनको व्यवस्थित रूप में, आरोह क्रम में जमाना। एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं यहाँ पे, अगर आपके पास में कोई आंकड़े 2 बार आ रहे हैं या 3 बार आ रहे हैं तो उनको हम लगातार इस तरह से लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ आपके पास में 7 2 बार आ गया तो आप 7 फिर 7 लिखेंगे। यानी जो भी आपके पास में संख्या रिपीट हो रही है उसको क्रम उसके साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ आपके पास में पदों की संख्या 7 है, विषम संख्या है, इसलिए हम ये सूत्र काम में लेंगे, ये वाला n+1/2 वह पद। यानी n विषम है यानी 7 है यहाँ पे,
उसमें a जोड़ के दो का भाग दे देंगे वो वाला पद, यानी n प्लस वन अपॉन टू वहां पर। तो यहाँ n की वैल्यू 7 है, तो 7 में हमने a जोड़ा बटे में 2, तो 7 में जब a जोड़ा तो हमारे पास आ गया 8 बटे में 2 किया वो वाला पद, तो 8 में हमने 2 का भाग दिया तो चौथा पद। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ 4 सूत्र नहीं है, चौथे स्थान पे जो मान है वो आपका माध्य है, यानी 1, 2, 3 ये 4, तो चौथा पद आपके पास में कौन सा प्राप्त हुआ 7, जो कि हमारे पास तो माध्य आपके पास में आया 7। तो ये हुआ विषम वाला। अब इसी तरह से एक बार फिर मैं बता देता हूं कि ये जो यहां उत्तर आ रहा है, आपने 8 में 2 का भाग दिया 4 आया, तो 4 आपका उत्तर नहीं है, चौथा पद है, यानी चारवां पद आपको ढूंढना है, उसमें कुछ भी संख्या हो सकती है, जैसा कि यहां आपके पास 7 है तो ये उत्तर होगा नहीं कि 4। अब अपन लेते हैं यदि पदों की संख्या आपके पास में सम हो, यदि पदों की संख्या सम हो तो हमारे लिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र है n बटे वे दो वहां पर प्लस n बटे वे दो प्लस एक वहां पर, इन दोनों को जोड़ के दो का भाग दे दो, ये जो कहें अपन कि इसका मध्यमान निकाल दो, ये आपका उत्तर होगा, यानी वो वाला पद, उस पद पे जो ये भी आप करेंगे देखो। तो सवाल ये है 17.6 का, आप इसमें देखेंगे कि इसमें सम संख्या है, एन की वैल्यू सम है, निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए, 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 29 और 34। तो यहां हम गिनेंगे कि इन आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां हमारे पास में n का मान 10 है, जो कि सम है, वहां आपने देखा ये 7 था विषम था, उसके लिए हमने 1 जोड़ के 2 का भाग दे दिया उस वाले पद, फिर जो भी मान था वो आपका उत्तर हो गया। अब यहां पे आपके पास 10 है, तो हम पहले सबसे पहले ये अव्यवस्थित रूप से यानी क्रम से जगह नहीं हुई है, फिर इसको हम क्रम से यानी आरोही क्रम में जमाएंगे, तो छोटी पहले उसके बाद उसे बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखा। तो सबसे पहले आपके पास आया इन आंकड़ों में से 13, 19, 20, 25, 26, 28, 33, 34, फिर 34। यहाँ 34 दो बार आया है, इसलिए हमने 34 के बाद में 34 लिखा, ये कुल 10 आंकड़े हमने क्रम से लिख दिए, यानी आरोही क्रम में लिखे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब सम आंकड़े होते हैं तब कोई बीच वाली राशि ऐसे निकल, क्योंकि 5 इधर हो गए 5 इधर हो गए तो बीच वाली संख्या कुछ मिली नहीं हमें, तो ऐसी संख्याओं के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं वो देखते हैं। पदों की संख्या यदि सम है तब हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र है n बटे वे 2 वहां पद प्लस n बटे वे 2 के अंदर एक बार प्लस और 1 कर दो और इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो जो पद आ रहा है उस स्थान में आपका मान होगा वो मान होगा। अभी देखते हैं यहां आपके पास n की वैल्यू 10 है बटे वे 2 किया वहां पर, तो यहां हमने n एन ज्यादा वहां 10 रख दिया, 10 बटे वे 2 प्लस 1 वहां पर बटे वे, ये सूत्र है हमारे पास, ये हो यहां से यहां n की वैल्यू हमारे पास 10 है वो हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ 10 बटे में 2 हो गया, यहाँ पे 10 बटे में 2 प्लस 1 हो गया, तो अब इसको जब हल करेंगे अपन तो 10 बटे में 2 का मतलब तो हो गया 5 में 2, 10 बटे में 2 प्लस 1 वहां पर, यानी 10 बटे में 2 किया
तो पांचवा पद कौन सा है यहाँ पे, एक दो तीन चार और ये पांचवा पद हो गया। छठा पद आपके पास में देख सकते हैं, इन दोनों मानों को जोड़कर पांचवा पद 26, छठा पद आप